गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके मैथ्स चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक में हम प्लस और माइनस के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें क्या है, किटू है, वो बोलता है कि मेरे घर में 100 रूम्स हैं जिसमें उसे पेंट करना है। ओके, तो बोलता है कि मैंने 2 से स्टार्ट किया और 10 ऐड करके मैं किस पे पहुँच गया, आई एडेड 2 मतलब 2 में 10 ऐड करके 12 पे पहुँच गया, 12 को पेंट करा। इसमें बताया है कि कैसे कैसे वो पहुँचा, कैसे हम जा सकते हैं। और लास्ट में पूछा जंप फ्रॉम 2 to 12 इज़ लाइक टॉकिंग स्टेप। तो स्टेप हमें बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कितने स्टेप चलेंगे, यहाँ से हम 2 से जा रहे हैं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टेप हमारे जा रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्ट ऊपर चले जाए इस साइड से तो 1 स्टेप लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 स्टेप्स। अब जैसे स्टूडेंट्स 10 किया था ना, 10 स्टेप्स हमारे बैठ रहे थे, तो नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14। अगर 14 से जंप करेंगे तो 14 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 पे जाएगा। हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41, जंप फ्रॉम 22 to 42, देन 1 स्टेप लेफ्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए क्या किया, 1 स्टेप लेफ्ट कर दिया, तो 22 प्लस 20 हो गया कितना, 42 आया। 42 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 41 आएगा हमारा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसमें कितने स्टेप्स बैठ रहे थे, अगर हम 22 से 20 ऐड किया हमने तो 42, 20 स्टेप्स हमारे हो गए। पर एक इसमें क्या कर दिया, माइनस हमारा कर दिया। ओके, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं लेफ्ट 2 21 स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इसे पढ़ते हैं हम, ट्राई दीज ऑन किटीज होम। 10 less than 34, इट मीन्स होता है कि 34 में से आपको 10 माइनस करना है, तो 4 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। जहाँ पे भी लेस देन है वहाँ पे आप माइनस करेंगे। 53 में से 20 जाएगा, तो ये तो सिंपल ही है, यहाँ से भी आप 20 माइनस करके देख सकते हैं, तो 33 आएगा इसमें। 11 more than 31 इज, इट मीन्स 11 में आपको 31 ऐड करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो यहाँ पे करके देख सकते हैं आप, 31 and 11, तो क्या आया, 1 1 2 3 1 4। ओके, तो 42 आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है इसमें 11 less than 66, तो 66 में से 11 माइनस कर देंगे, प्लस माइनस आप सबको ही आती है, फिर भी करके देखिएगा, 66 में से 11 माइनस करेंगे तो 55 आएगा। इसमें 62 में 13 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 75। 23 less than 89, इट मीन्स आपको 89 में से 23 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 9 में 3 जाएगा तो 6, 8 में 2 जाएगा तो 66 हमारा आ जाएगा। 10 and 40 more is, 10 में 40 ऐड करेंगे तो 50 आएगा। 9 added to 28 gives, 9 अगर 28 में 9 एडिट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऐड कर देंगे 37 हमारा आएगा। 10 sum of 9 and 44, 44 और 9 को आपको ऐड करके लिखना है। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूसिंग 98 by 34 gives, मतलब 98 में से 34 आपको माइनस करना है। ओके, 4 and 37 more is, तो 37 में 4 ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट, इट मीन्स टेक 35 अवे मीन्स होता है कि हम ले लेते हैं, 83 में से हमने 35 लिए तो कितना बचा ये हमें बताना है, हमें क्या मिलेगा फिर। तो 83 में से आपको 35 माइनस करने हैं, जो भी आएगा वही आपका आंसर रहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है 37 में आपको 9 ऐड करने हैं, जो भी आएगा आंसर आपका रहेगा, 46 आया है। 65 में से 30 आप माइनस करेंगे। अब देखिए ये इधर बॉक्स दे दिया ना, तो इसमें आपको हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, आप इनको ऐड करके इधर लिख देंगे। अब ये माइनस का आ गया, तो इसमें से ये वाला माइनस करेंगे और आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, 66 में से 55 गया तो 11 बचेगा, ये कैसे हमने किया, देखिए हमें दिया था इन्होंने 66 माइनस, ये बॉक्स था हमारे पास गोज़ टू में 11, तो हमारे कितना आया था 11 और 66 था, तो इस बॉक्स में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए हमें, हमारे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें से हम अगर ये माइनस कर देंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखिए 66 11 माइनस 55 तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 36 गोज टू 9 प्लस ये दे दिया, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, तो कि कैसे करेंगे हम इसको, इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे नहीं दिया ना कुछ भी, तो 36 हम लेके जाएंगे और इसको 9 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 27। तो स्टूडेंट जितने भी ये क्वेश्चन है हमारे सब ऐसे ही हैं अधिकतर,
पर देखिए इसमें प्लस दिया है, तो आपको क्या करना होता है, 40 में आप क्या ऐड करेंगे कि 76 आ जाएगा। तो आपको कैसे करना है, आप लिखेंगे 76 और लिखेंगे यहाँ पे 40, इसको माइनस कर देंगे तो 6 और 3 तो जो भी आएगा वो आप प्लस करेंगे तो 76 हमारा आ जाएगा। अब 98 इक्वल्स दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है, तो क्या आएगा, तो 98 में से आप 50 माइनस कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही करने हैं। ये 57 माइनस, फिर आपको ब्लैंक दे दिया, तो 57 में से आप 20 माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं आपके। अब देखिए ये दे दिया, इसमें से हम यहाँ पे ब्लैंक है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, तो हम कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और माइनस दे दिया, अब हमें क्या करना है कि क्या इसमें हम माइनस किस में से माइनस करेंगे कि ये आ जाए। तो हम जो ये दिया है ना माइनस का, देखिए जब इधर कोई माइनस का होता है बीच में इक्वल होता है तो वो इधर आके हो जाता है प्लस में, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। तो 21 को हम यहाँ पे कर देंगे प्लस 516325, तो यहाँ पे क्या आएगा 56। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अगर माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे, अगर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो गया आपके, समझ गए ना आप। अगर प्लस है तो इधर आके किस में जाएगा, माइनस में, और अगर माइनस है तो इधर जाके किस में आएगा, प्लस में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है एडिंग मेड ईजी, मतलब हम कैसे ऐड करने को, हम कैसे ईजी बना सकते हैं। अनिसा बोट एप्पल्स फॉर 37 रुपीज, राजा बोट बनानास फॉर 21 रुपीज। द वुमेन सेलिंग फ्रूट सेड, अनिशा ने एप्पल्स लिए 37 रुपीज के और राजा ने बनानास लिए 21 रुपीज के। तो वुमेन बोलती है 37 क्या है, 37 तो 37, और 21 क्या है, 21 तो 21। ओके, तो सो 37 एंड 21 मेक्स 58। कैसे किया इसने, अब ये भी बच्चे बोले द फर्स्ट टू आई कैन डू, हाउ डिड सी एड 37 एंड 21 सो फास्ट, किसने कैसे कर दिया 37 और 21 को इतनी जल्दी से। तो कैसे किया था उसने, 30 देखिए 30 एंड 7 ऐड करेंगे तो 37 होगा, 21 ऐड करेंगे तो 21, 30 कितने हुए 50 और 7 1 8 तो 58, ऐसे उसने कर दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे, 26 लिया प्लस 43, 20 प्लस 6 26, 40 प्लस 3 43। अब 20 ऐड करना तो बहुत ईजी है ना। अब इन्होंने इसको क्या किया, यहाँ पे इन्होंने टोटल लिख लिया, 20 और 40 को एक साथ लिख लिया और 6 और 3 को एक साथ लिख लिया, तो 40 कितने हुए 60, 6 और 3 9 तो 69, सिंपल है ना। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इनको आपको अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।